बीए ऑनर्स किया, उसके बावजूद हमने 5 साल घूमा, हमको नौकरी नहीं मिला, जिस वजह से हमने पान की दुकान को छोटा करके अपना गुजारा कर रहे हैं, बाल बच्चा को अपना देख रहे हैं। मैं इंडिया में जॉब नहीं कर रहा हूँ ना, इंडिया में जॉब नहीं हो पा रही, तभी तो इंडिया से बाहर जॉब करते हैं। कहीं और करते हैं? कहाँ करते हैं? वैसे इससे पहले इराक में था, इराक से आने के बाद दुबई गया था, अभी फिर साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी। महंगाई कहाँ है? क्या महंगाई है? हम भी ऑटो चलाते हैं, हम भी तो दिन भर कमाते हैं, महंगाई नहीं है। सांसद अभी तक आज तक मतलब कुछ किए नहीं है, 3 बार से रहे हुए हैं, बस जब इलेक्शन का टाइम होता है तभी वो लोग दिखते हैं। बच्चों का स्कूल फीस बढ़ा, हर चीज़ तो समय के साथ बढ़ेगा ही, महंगाई वो तो तय है। सांसद हमारे हमारे यहाँ का सांसद ठीक नहीं है, अपने दरवाजे का सड़कन ठीक से नहीं बनवा पाए हैं, लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं, लोग मोदी जी को भाजपा को वोट दे रहे हैं। चुनावी माहौल है, ऐसे में हम आ पहुँचे हैं पश्चिम चंपारण की धरती पर, और यहाँ पर एक तरफ जहाँ एनडीए के प्रत्याशी संजय जायसवाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पर जगह दी गई है, और वो हैं मदन मोहन तिवारी। मतलब साफ है कि कांग्रेस वर्सेस भाजपा की लड़ाई यहाँ बेतिया में हो रही है, पश्चिम चंपारण में हो रही है, और इसी लिए हम आज पहुँचे हैं बेतिया बाज़ार में, और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वो अपने सांसद को चुनने जा रहे हैं, क्या वो अपने सांसद में देखना चाह रहे हैं। बीए ऑनर्स किया, उसके बावजूद हमने 5 साल घूमा, हमको नौकरी नहीं मिला, जिस वजह से हमने पान की दुकान को छोटा करके अपना गुजारा कर रहे हैं, बाल बच्चा को अपना देख रहे हैं। हमको सरकार ने नौकरी नहीं दिया, और नौकरी नहीं देने की वजह से हम आज बैठे हुए हैं, गोल तोड़ कर दुकान का हम सहारा लिए हुए हैं, जिससे मेरा रोजी रोटी चल रहा है। अब हम देखेंगे सरकार कहाँ नौकरी दे रही है, कई लाख लोग है दुनिया में, नौकरी कहाँ दे रही है। टीचर को पहले एथी कर दिया, बिना ट्रेनिंग का कर दिया नौकरी, उसके बाद धीरे धीरे छटनी भी कर रहा है, और नया नया नौकरी को रहा देने के लिए, उतना लोगों को नौकरी दे पाएगा सरकार क्या? इतना पब्लिक दुनिया में, भारत में उतना नौकरी दे पाएगा सरकार? सरकार के पास उतना नौकरी है मतलब नहीं है, सरकार झूठा आश्वासन दे रही है खाली, कोई सरकार ठीक नहीं है। लेकिन हम लोगों को वोट देना है तो जिसमें जनता देगी उसी में वोट हम लोग देंगे। क्यों आप बदलाव नहीं करेंगे अपने तरफ? अरे पब्लिक जो बदलाव करेगी तो हम भी बदलाव करेंगे, पब्लिक नहीं बदलाव करेगी हम भी नहीं बदलाव करेंगे। तो आप भी तो पब्लिक के हिस्सा है ना? पब्लिक का तो सारा, आप भी तो हिस्सा पब्लिक का ही। हाँ, हम भी हैं। सारा दुनिया पब्लिक का ही हिस्सा है, जन समूह ही हिस्सा है पब्लिक का, जिसको लोग जिताएगा उसी को लोग देना चाहेगा। मैंने हमारे ख्याल से तो लोग यही, मैंने हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो पढ़ने लिखने का तरीका है, तो मेरा सिद्धांत है कि जिसको वोट लोग देगा उसको हम भी वोट देंगे, जन समूह जो तैयार होगा जो कहेगा समाज के साथ चले। क्या नाम है? मैम शफीकुर रहमान। क्या लग रहा है इस बार सांसद को लेकर, हवा किधर है पश्चिम चंपारण की? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तो जैसे हमारे पिछले जो MLA थे मदन मोहन तिवारी जी, अभी वही है मतलब सांसद के लिए उन्होंने भरा हुआ है अपना नाम, तो आई थिंक उनको ही देना चाहिए हम सबको। अच्छा। क्योंकि इवेंचुअली अगर सबको देखा जाए तो चेंजेस तो चाहिए मैम, नॉट फॉर लिस्ट बट लास्ट कर, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हम सबको, तो इसीलिए हमें इस बार ही चेंज कर देना ही चाहिए। तीन साल से जो सांसद हैं, तीन बार हैं, तो उनके काम से खुश नहीं हैं? मैं तो मैम खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ कहीं से भी खुश नहीं हूँ मैम। आप अगर मेरे व्यू से भी देखो या मेरे जानने वाले किसी से भी व्यू से देखो आप, उनका कोई ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। एक होता है ना कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो बस वोटिंग के टाइम में कंट्रीब्यूशन जो है ना, मेरे को सही नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को लेकर आपकी क्या राय है? पर्सनली तो उनसे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अगर व्यू से मैं बताऊं तो मुझे जो नहीं लगता कि उनको आना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा? मैम बहुत सारे इश्यूज हैं, अब कौन कौन से काउंट कराऊं? कुछ काउंट कराइए। मैम पहला तो ये है कि आप भी देख रहे होगे यहाँ बस हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसके अलावा कुछ ही नहीं चल रहा मैम। हम सब भी बेरोजगार हैं, ठीक है, हम सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, देहरादून से किया हुआ इंजीनियरिंग, बट क्या है अभी देखो हम बेरोजगार हैं, जॉबलेस है, बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके सामने ही बैठे हुए हैं ना हम सब, तो कुछ तो है नहीं ऐसा, तो कैसे आदमी फिर वोट करे? अब देखा जाए, आपको भी पता है ना कि चेंजेस थोड़े से आने चाहिए, अभी हम डेली जो लाइफ जी रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप अगर आओ तो हम कुछ ना कुछ तो बदलाव करते ही हैं ना,
तो हमें एक बार दो बार हो गया ना, 10 साल हो गया ना, एक बार चलो राहुल गांधी को भी टाइम दे के देखते हैं। वो आएंगे तो लग रहा है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे। मैम जैसे उनका कहना है उस हिसाब से तो लग ही रहा, 100% श्योर है हम सब की कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ अभी। जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है देश में, इस पर आपकी क्या राय है? मैम बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं इंडिया में जॉब नहीं कर रहा हूँ ना, इंडिया में जॉब नहीं हो पा रही तभी तो इंडिया से बाहर जॉब करते हैं। कहीं और करते हैं? हाँ, कहाँ करते हैं? वैसे इससे पहले इराक में था, इराक से आने के बाद दुबई गया था, अभी फिर साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी में। अच्छा, मतलब देश में नौकरी की कमी है? देश में बहुत ज़्यादा कमी है नौकरी की। अच्छा, अपने सांसद को लेकर क्या सोचते हैं? सांसद को लेकर इस बार बदलाव चाहिए। क्या मतलब क्यों? सांसद अभी तक आज तक मतलब कुछ किए नहीं है, 3 बार से रहे हुए हैं, बस जब इलेक्शन का टाइम होता है तभी वो लोग दिखते हैं। वैसे अदर पर्सन वो कभी आते नहीं हैं, कभी किसी से पूछते भी नहीं है किसको क्या तकलीफ है क्या दिक्कत है। और इस बार चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव आए। क्या नाम है? रंजन शर्मा नाम है। चुनाव आ गया है, क्या चुनावी माहौल लग रहा है पश्चिम चंपारण का? अच्छा माहौल है। कौन जीत रहा है इस बार? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ। नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, दोनों आदमी में लड़ाई है। मतलब मंत्रिवारी में संजय जायसवाल में। हाँ। आप देखिए जो मतलब निकल जाए। आपको कौन पसंद आ रहा है, मतलब किसको सांसद को आप देख रहे हैं जो आए तो विकास हो? मतलब बीजेपी ही आएगा तो विकास होगा। अच्छा, तो 3 बार से तो है संजय जायसवाल, विकास तो हुआ है, फिर भी आएंगे तो विकास और बढ़ेगा और विकास आएगा, तो संजय जायसवाल का ही मतलब सपोर्ट किया जाए। उन्हीं की हवा ज्यादा है। क्या नाम है? जी कृष्णा चौधरी। रिक्शा चलाते हैं जी? कमाई हो जाता है जी? होता है। अच्छे से घर बार चल रहा है? बढ़िया से जी। हम क्या सांसद को लेकर क्या सोच रहे हैं जी? बीजेपी के आदमी को देंगे हम। कोई भी बीजेपी का आदमी होगा तो बीजेपी को दे देंगे जी। मतलब आदमी कौन है फिर? अभी तो यहाँ से संजय जायसवाल जी हैं। हाँ, काम किए हैं 15 साल में जी, जो भी किए हैं अभी तो दिखाई दे रहा है, और ऊपर ला चाहेंगे तो करेंगे। अच्छा, तो क्यों इतने बीजेपी के फैन हैं, क्या बात है? जी वो तो बात सही है, हम उनको फैन है भाई, काम देखते हैं जितने अंदर में हम तो उसी में खुश हैं जी। अच्छा। अब क्या नाम है चाचा? सरकारी कर्मचारी। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ वो चीज़ तो समझ रहे हैं और बोल सकते नहीं आप। क्या नाम है? पप्पू पटेल। क्या करते हैं? हलवाई का काम करते हैं। एकदम घर बार चल रहा है सही से सब? चलिए रहा। महंगाई को लेकर क्या सोच रहे हैं? महंगाई तो है, महंगाई के लिए क्या किया जाएगा, गरीब आदमी को महंगाइए में जीना है, महंगाइए में मरना है। अच्छा, वो कब कम होगा? सरकार बदलने का समय आ गया, अब तो अब मतलब वोट देने जाएंगे, क्या होगा मुद्दा? अरे बढ़िया सरकार बनेगा तो बढ़िया ना विकास होगा। अभी वाला सरकार बढ़िया नहीं है? ये है, अभी तो जो कर रहा है वो भी बढ़िया है। अच्छा। उसके आने वाला भी जो जो होगा वो भी बढ़िया होगा। अच्छा, सांसद को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? अभी तो जो चल रहा है वही ठीक है, अभी सांसद में जो हैं वही ठीक है। हाँ वही जीतेंगे, बदलाव नहीं होगा। हाँ खुश है। क्या नाम है? संजय कुमार। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। घर बार चल जाता है सब? जी 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 जी, आराम से। किसकी लहर है इधर? हर बार वही सरकार है, मोदी सरकार रहेगी। 400 पार हो जाएगा एकदम 100%, 1000 वोट से जीतेगा यहाँ का सांसद, लेकिन जीतेगा। अच्छा। हर बार 2 लाख वोट से जीतता है, इस बार 1000 वोट से जीतेगा। हाँ। लेकिन जीतेगा, एकदम जीतेगा, एकदम जीतेगा। तीनों का तीनों लोकसभा क्षेत्र, वाल्मीकि नगर, बेतिया और आपको मोतिहारी, तीनों का तीनों वहीं जाएगा। चंपारण, सत्याग्रह भूमि पूरी की पूरी तरह एकदम मोदी सरकार। हाँ, कोई बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं। क्या अच्छा लग गया मोदी सरकार का? मोदी सरकार हम लोगों को राशन दे रही है फ्री में, मकान दे दी फ्री में, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का दे रही है, और क्या चाहिए? आपको मिला मकान?
नहीं मिला है तो हम लेंगे, हमारे पास मकान है तो काय लें। अच्छा। मेरे पास है तो हम क्यों ले, इसके पास नहीं है ये लेगी। हाँ। इसको जरूरत है। बच्चों की पढ़ाई सही चल रही है? एकदम टनाटन है एकदम। महंगाई को लेकर क्या? महंगाई कहाँ है? हाँ। क्या महंगाई है? हम भी ऑटो चलाते हैं, हम भी तो दिन भर कमाते हैं। हाँ। महंगाई नहीं है, ये सब अफवाह वाली बात है। अच्छा। महागठबंधन की सरकार की सब अफवाह है, महंगाई होंगाई ये सब कुछ महंगाई नहीं है, जो भी है एकदम सही है। 200 रुपए किलो तेल बिक रही थी, 110 रुपए किलो बिक रही है अभी। गैस सिलेंडर, सिलेंडर तो फ्री में मिल रहा है, पहले जाना पड़ता था आधार कार्ड लेके आओ, जमीन का रसीद लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। अब आधार कार्ड लेके जाओ भैया, रसीद सिलेंडर लेके जाओ, अब क्या चाहिए? सरकार जो भी दे रही है तो मस्त दे रही है। अच्छा, 1000 वोट से जीतेगी, लेकिन बेतिया से जीतेगी तो बीजेपी ही जीतेगी गारंटी के साथ। अच्छा, तीनों का तीनों लोकसभा क्षेत्र। चलिए, आपका क्या नाम? जी हिमांशु गुप्ता। क्या करते हैं? जी हम स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ के सांसद ने काम वाम किया कि? जी काम तो आप लोगों को दिखना चाहिए, ओवर ब्रिज, ये कोई मेयर या विधायक थोड़े, सब केंद्र का काम जो सांसद ना पास कराता है। मेडिकल कॉलेज, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है रसगोल में, ये पश्चिम चंपारण के सांसद का ही देन है। ये सचेतक भी रहे हैं जहाँ तक हमको जानकारी है, और जो भी भले यहाँ मोदी जी का प्रोग्राम होता है 6 तारीख को, तो मोदी जी खुद के करोड़ों का सौगात देकर गए, रेलवे स्टेशन का निर्माण फिर से होगा, तो एकदम सांसद से खुश हैं। जी सांसद जी से खुश हैं। कोई बदलाव हो रहा है? जी बदलाव हुआ है 2014 के बाद से, 2014 के बाद बदलाव ही कहा थे, केवल कागज में दिखती थी। वहाँ इसके पहले राजीव गांधी बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जान से जाते 20 पैसा मिलता था, इस समय 1 रुपया सरकार के खाते जो भेज रही है गरीबों के खाते में जा रही है। आज देखें कांग्रेस का कार्ड देखें, उसमें बोल रही है 25 लाख तक इलाज मुफ्त देंगे, पहले कहाँ थी इससे पहले? मोदी जी 5 लाख दिए तो इस समय 25 लाख बोल रही है। अगर उसके इतना ही शौक था तो 2014 से पहले बोलते कि 25 लाख का राशन देते। मोदी जी दिखा रहे हैं, उसी आगे बड़ा बड़ा लिख रहा है सर, देखा देखी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजू कुमार सोनी, कालीबाग घर हुआ बेतिया। अच्छा जी, वो कह रहे हैं महंगाई नहीं है एकदम। मैम महंगाई तो है, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई है, ये सब पे डिफरेंस करता है। ठीक है, आज तो हमें खड़ा होने के लिए पैसा देना पड़ता है, हमें खड़ा होने के लिए पैसा देना पड़ता कि हम गाड़ी, अपना ऑटो ड्राइवर है कहाँ गाड़ी खड़ा करें। कल तक वही चीज था कि हर कोई भी आता था उनके हेल्प करते थे हम लोग, आज खुद प्रशासन से डिमलाई है हम लोग। आज 3-4 दिन पहले हमें झगड़ा हुआ है, लफड़ा हुआ है, ये सारे स्टैंड पे जानते हैं। सरकार कैसी लगती है? सरकार तो हमारी मोदी जी हैं, हम जायसवाल जी को नहीं दे रहे वोट, मोदी जी को दे रहे हैं। क्यों, जायसवाल जी से खुश नहीं है? नहीं खुश, हम खुश अब हैं या ना कहे हैं, क्या कहे आपसे, जो चाहिए वो नहीं कर पाए वो, हमें मोदी जी से मतलब है। नहीं कर पाए तो ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी जी को? क्योंकि मोदी जी वो कर पाए, हाँ मोदी जी कर पाए। हमारे घर में, अब गाँव में देखो, देखिए आप अगर शहरों में देखिए, ना बाथरूम था, हाँ ना यहाँ यहाँ कोई रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना हमारी बेटी बहन, एक मिनट, बेटी बहन हमारी खेतों में जाती थी, इज्जत बलात्कार हो जाता था। आज मोदी जी ने दिया, मगर वो क्या हुआ, पार्टी के ही जो फंड मिला उनको, वो 10 शौचालय पास कर दिए, बाकी अपना जेब में भर लिए। जो बात है स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपसे, और बाकी जो रह गई, ये सिलेंडर चूल्हा फूक फूक के हमारी बेटी बहन चलाती थी, हर 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 घर, हमारे घर भी मोदी जी दिए हैं, हर घर दिए हैं, हमारे घर भी दिए हैं, और एक नहीं, हमें भी दिए, हमारे भाइयों को, भाई को भी दिए। सही बात हो। चलिए भैया, खूब खुश हो रहे हैं। क्या आप सांसद को लेकर बोल रहे थे? सांसद हमारे यहाँ के सांसद ठीक नहीं है, अपने दरवाजे का सलकन ठीक से नहीं बनवा पाए हैं। लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं, लोग मोदी जी को, भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनको वोट मजबूरी में लोग दे रहे हैं, उनके फादर काम तो वही करेंगे ना, अरे काम क्या करेंगे, सिक्का जमा के उनके बाबूजी को लोग, हम लोग वोट देते थे भाजपा के नाम पे, आज 35 साल से वही राज कर रहे हैं, दूसरा कोई राज नहीं कर रहा है 35 साल से। 3 बार वो जीते हैं, 3 बार ही जीते हैं, हाँ चौथा बार ही जीतने जा रहे हैं कि तीसरा बार।
लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ, ना सड़क बना है, उनके दरवाजे का सड़क नहीं बना है। सांसद जो अलग काम होता है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैनेजर प्रसाद हुआ। क्या लग रहा है, सांसद से लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं है? सांसद काम कर रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं है कि सांसद काम नहीं कर रहे हैं। ओवर ब्रिज बनिए गया, मेडिकल कॉलेज बनिए रहा है, सिर्फ रोड है तो रोड बेतिया का रोड पूरा ठीक नहीं है। इस बार बदलाव का सोचे हैं कि वही रिपीट? नहीं बदलाएंगे तो नहीं, बदलेंगे तो नहीं। हम लोग तो मोदी जी को ही वोट देंगे। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि सांसद से खुश नहीं है लेकिन मोदी जी बनाते हैं? नहीं, हम लोग मोदी जी को बनाएंगे। सांसद भी काफी अच्छे हैं, संजय जायसवाल बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत काम करते हैं क्षेत्र में और वो लोगों से मिलते जुलते हैं, सबके सुख दुख में भाग लेते हैं। हम लोग उनसे खुश हैं, उनको वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बनाना ही है, वो तो तय है। क्यों, मतलब पहले से ही तय हो गया आप भी बोल रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दा पे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए मोदी जी ने जो कार्य किया, राम मंदिर बनवाया, विश्वनाथ कॉरिडोर इत्यादि, मतलब ये सब बहुत अच्छा है और देश का इकोनॉमी भी ग्रोथ किया है हर प्रकार से। मोदी जी कहीं से मुझे नहीं लगता है कि उनको नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, महंगाई पर क्या सोच? महंगाई देखिए वो समय के साथ तो बढ़ेगा ही। आप हाँ, समय के साथ महंगाई बढ़ेगा ही, तो हर चीज का दाम बढ़ रहा है, वो तो बढ़ेगा ही। आप खुद सोचिए, पहले आप बच्चों को इसको, हाँ, केजरीवाल की जगह पर 11,000 लाइसेंस बना गया है, बच्चों का स्कूल फीस बढ़ा, हर चीज तो समय के साथ बढ़ेगा ही महंगाई, वो तो तय है। आप जमीन देखिए, पहले जमीन इतना लोगों को फ्री में मिल जाता था, आज देखिए कितना जमीन का जो खेत था वो घड़ाड़ी में बिक रहा है और जो कट्ठा में बिकता था अब धूड़ में बिक रहा है। तो वो तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, उत्पादन कम होगा, आदमी क्या बोलते हो उपभोक्ता ज़्यादा है और उत्पादन उसकी अपेक्षा नहीं है, तो हर चीज़ का तो शॉर्टेज होगा तो महंगाई बढ़ेगा, ये तो तय है। अच्छा, संजय जायसवाल को टक्कर दे रहे हैं मदन मोहन तिवारी, तो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण उनके साइड जा सकते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, अभिषेक कुमार तिवारी नाम है मेरा, लेकिन मैं संजय जायसवाल को सपोर्ट करता हूँ। मोदी, सिर्फ मोदी, हाँ, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हम लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी, हाँ जी, हम यही चाहते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्योंकि मोदी जी ने जो कर दिया वो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। तो देखिए, बेतिया बाजार से आपको हम जनता की राय सुना रहे थे, आप सुन रहे थे, कुछ लोग संजय जायसवाल के पक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को बदलाव चाहिए और वो मदन मोहन तिवारी को यहाँ पर जगह देना चाह रहे हैं। बाकी कौन करेगा यहाँ के सांसद सीट पर राज, ये 4 जून को मालूम चल जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हम साझा करेंगे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं वंदना, कैमरा पर्सन रौसिफ के साथ, धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।